देखिए यहाँ पर है फोर्थ रूल ऑफ सिंथेसिस का, तो इसमें फोर्थ रूल क्या है, यूजिंग प्रेपोजिशन, ठीक, यूजिंग प्रेपोजिशन विद अ नाउन और जीरंड। तो यहाँ देखो प्रेपोजिशन होता क्या है, तो प्रेपोजिशन ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर दूसरे नाउन की विशेषता बताता है। जैसे ऐसे समझो, मैं कह दूँ आई एम, ठीक, इन, आई एम इन रूम, मैं कमरे में हूँ, मैं कमरे में हूँ। तो देखो कमरा क्या है, नाउन है, ये क्या है, नाउन है, और ये आई क्या है, ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट तो है ही लेकिन ये क्या है, प्रोनाउन है, चूंकि मैं, मेरा कुछ नाम होगा तो मेरे नाम के लिए आई आया है। तो देखो ये जो इन है ना, है ना, इन जो है नाउन के पहले प्रयोग होकर इस कमरे का संबंध किससे बता रहा है, मुझसे बता रहा है, मैं कमरे में हूँ, मैं कमरे में हूँ। अब मान लो तुम्हें मस्ती सूझ रही हो, तुम कह रहे हो नहीं नहीं सर इन को हटा दें, तो आई एम रूम, मैं कमरा हूँ, आओ घुसो, नहीं गलत हो जाएगा ना, देखो क्लियर है। तो प्रेपोजिशन, ये प्री पोजिशन मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले में, प्री में फिक्स होता है, और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है, समझ में आया, ये होता है। दूसरा नाउन क्या होता है, पर्सन प्लेस या थिंग्स के नेम को। जीरंड क्या होता है, एक्चुअली देखो जो वर्ब होता है ना, ये इतना जिद्दी होता है, ये कहता है कि हम वर्ब हैं तो हम एक्शन का काम करेंगे, ठीक है, हम किसका काम करेंगे, एक्शन मतलब वर्ब है तो हम वर्ब की तरह प्रयोग होंगे, हम सब्जेक्ट और जो है ऑब्जेक्ट की तरह हम प्रयोग नहीं होंगे, जो करना हो कर लो। तो ग्रामर दादा कहे अच्छा रुको अभी तुम्हारे जिद्दी पर निकाल रहे हैं। तो ग्रामर ने क्या किया, है ना, ग्रामर ने क्या किया, वर्ब की पहली फॉर्म में आई एन जी लगा दिया, और जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देते हैं तब वो बन जाता है जेरंड। अब ये वर्ब की तरह नहीं यूज होगा, अब ये यूज होंगे या तो सब्जेक्ट की तरह या तो ऑब्जेक्ट की तरह। ये कैसे, चलो एक एग्जांपल देते हैं। जो दुल्हन है ना, दुल्हन वो क्या जानती है, नाचना जानती है, गाना जानती है, ठीक है, बहुत जानती है, अभी दो मैं लिख रहा हूँ, सारी बातें ना जानो, दुल्हन नाचना गाना व खाना पकाना, भाई ये भी जरूरी है ना, व खाना पकाना जानती है। अब यहाँ पर ध्यान देना, दुल्हन नाचना गाना व खाना पकाना जानती है। तो देखो दुल्हन की इंग्लिश हो गई ब्राइड, दुल्हन की इंग्लिश क्या हो गई ब्राइड। अब यहाँ जानती है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, नोज, है ना, नोज। अब देखो ये मेन वर्ब की तरह यूज हो गया, मेन वर्ब की तरह यूज हो गया। अब तुम कह रहे हो पकाना भी तो नाउन है, सॉरी वर्ब है, गाना भी तो वर्ब है, नाचना भी तो वर्ब है। तो ग्रामर ने कहा अबे अब तुम वर्ब की तरह यूज नहीं होगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वर्ब के स्थान पर बैठ गया है, मेन वर्ब के स्थान पर आ गया है, है ना, मैनेजर साहब आ गए हैं, अब दोबारा नहीं होंगे, क्लियर है। तो ये कहे तो भैया हमारा व्यवस्था करो, ये कहे ये यार रखा है, तुम एक काम करो अपने साथ में आई एन जी लगा दो। तो देखो जीरंड बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाने से, और जनरली इसका सेंस निकलता है ना, नी, ने से सेंस निकलता है। तो अब ठीक है बना दो, तो ब्राइड नोज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कुकिंग द फूड, है ना, कुकिंग द फूड मतलब खाना बनाना या पकाना, और क्या जानती है, कॉमा लगा दो, गाना, अच्छा, सिंगिंग, क्लियर है, और क्या जानती है, नाचना, तो एंड डांसिंग, क्लियर है, इतना समझ में है। अच्छा एक चीज और करना, इसको आप ऐसा भी कर सकती हो, ब्राइड नोज डांसिंग सिंगिंग एंड कुकिंग द फूड, एक्चुअली सही फॉर्म यही है, ये ब्राइड पहले नंबर पर, नोज दूसरे नंबर पर, और ये डांसिंग जो है तीसरे नंबर पर, है ना, कॉमा सिंगिंग ये चौथे नंबर पर, और पांचवे नंबर पर एंड, और उसके बाद ये कुकिंग द फूड, समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरह से होगा, तो ये होता है जेरंड। तो अभी हमें जो सिंथेसिस करना है वो प्रेपोजिशन करना है, प्रेपोजिशन का यूज करके, ठीक है, प्रेपोजिशन आन, एट, अपान, ओवर, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन नाउन या जीरंड के साथ करना है। अभी ऐसे तो समझ में आने वाली चीज़ें नहीं, चलो एक एग्जांपल देते हैं, अभी वहाँ से क्लियर हो जाएगा।
क्लियर है ना, एक एग्जांपल के थ्रू। अब यहाँ ये नाउन समझ में आए, जीरंड समझ में आए, प्रेपोजिशन, सारी चीज़ें क्लियर है ना, तो बढ़िया आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, मून द मून रोज, द मून, द मून मतलब समझ रहे हैं चंद्रमा, ठीक है, रोज, रोज मतलब चंद्रमा निकला या चंद्रमा निकल गया, ठीक है, चंद्रमा निकल गया। और जब निकल गया ना, तो देखो चंदा मामा कहते हो ना, लेकिन चंदा, चंद्रमा जो है वो पुरुष लिंग है या स्त्री लिंग? मामा कहते हो इसलिए है ना, नहीं क्यों? चंद्रमा मून जो है वो स्त्री लिंग है, फेमिनिन जेंडर है, फीमेल है। अब चंदा मामी कहना चंदा, हाँ बट कैसे है ना, इसका काफ़ी सारा रीजन है। देखो चंद्रमा के अंदर स्त्री वाली क्वालिटीज है, देखो शीतलता है, हाँ। है ना, ऐसे कई सारी क्वालिटीज हैं, इसलिए ग्रामर में, इंग्लिश में चंद्रमा को क्या माना गया है, फेमिनिन जेंडर। तो आज का याद रखना, अब चंदा मामी बोलना, चंद्रमा चंदा मामा नहीं, चलो ठीक है। द मून रोज, इसलिए देखो इसे बताया क्यों गया, यहाँ पर हर का यूज किया गया, हर जर्नी। अब हर जर्नी क्यों आया, अगर स्त्री है तो स्त्री के लिए तो हर आता है, तो एक्चुअली ये फीमेल है, फेमिनाइन जेंडर की तरह ट्रीट किया गया है या ट्रीट किया जाता है इसको, है ना। अगर यही सन होता तो सूर्य के अंदर गर्मी होती है, गर्मी ज्यादा किसके अंदर होती है, गर्मी गुस्सा पुरुष के अंदर होती है, तब यहाँ हिज होता, क्लियर है। हर जर्नी वाज ओवर, ये करें चंद्रमा निकला और उसकी जो यात्रा है ना, जो घूमने वाली यात्रा है वो पूरी हो गई, उसकी जो घूमने वाली यात्रा है वो क्या हो गई, पूरी हो गई। अब देखो अब इसको कैसे करोगे, है ना, तो देखो अपनी जर्नी, है ना, अपनी जर्नी पूरी करने के बाद चंद्रमा निकला, ठीक है, अपनी जर्नी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको प्रेपोजिशन का यूज करना है, ठीक, तो जब इसका कंबाइंड फॉर्म करोगे आप, कंबाइंड, अभी ये किस फॉर्म में लिखा है, सेपरेट में लिखा है, ठीक है, जब आप इसका करोगी कंबाइंड करोगी तो एक्चुअली इसका कंबाइंड हो जाएगा, द मून रोज, द मून रोज चंद्रमा उठा या निकला आफ्टर हर जर्नी वाज ओवर, आफ्टर हर जर्नी, जे ओ यू आर एन ई वाई, जर्नी वाज ओवर, क्योंकि उसकी जर्नी क्या हो गई, ओवर हो गई, अपनी जर्नी पूरी करने के बाद, अपनी जर्नी पूरी करने के बाद वो निकला, क्लियर है। अच्छा यहाँ से थोड़ी चीज़ें कम समझ में आई होंगी, अभी एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, वहाँ से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखो मैं कहूँ ही ड्रोब फास्ट, ही ड्रोब फास्ट, तो देखो ड्राइव, ड्रोब, ड्राइवन होता है, तो ड्राइव मतलब चलाना, राइड का भी मतलब चलाना होता है, लेकिन जब दुई पहिया वाहन चलाना हो तो राइड, आर आई डी ई, लेकिन जब फोर व्हीलर या थ्री व्हीलर, है ना, या मोर देन थ्री व्हीलर की बात हो तब वहाँ पर क्या लगाना, ड्राइव लगाना, तो ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रोब, ही ड्रोब फास्ट मतलब उसने फास्ट ड्राइव किया, है ना, और उसने जब फास्ट ड्राइव किया तो ही हिट अ मैन, उसने एक आदमी को हिट कर दिया, मतलब एक आदमी को उसने क्या कर दिया, हिट कर दिया, मार दिया, तो अभी ये किस फॉर्म में है, अभी ये सेपरेट फॉर्म में है, अभी ये क्या है, सेपरेट फॉर्म में है ना, क्लियर है। इसको क्या करना है, तुमको कंबाइंड करना है, अभी ये सेपरेट फॉर्म में है, जब इसको आप कंबाइंड करोगे, क्लियर है। अभी यहाँ देखिए, ही ड्रोव फास्ट, उसने फास्ट ड्राइव किया, ही हिट अ मैन, तो चलो अभी इसको जब सेपरेट करेंगे तो देखो, ही ड्रोव फास्ट, उसने फास्ट ड्राइव किया, एक सिंपल सेंटेंस ये है, ही हिट अ मैन, उसने एक आदमी को मार दिया, एक सेंटेंस ये है, तो दो सिंपल सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है, दो सिंपल सेंटेंस को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, तो आप कंबाइन कैसे करोगे, ही हिट अ मैन ड्राइव फास्ट, यही तो होगा, हाँ ड्रोव फास्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन एक तो है नहीं, प्रेपोजिशन कई है ना, प्रेपोजिशन क्या है, कई है, है ना, तो देखो एक तो उसने फास्ट ड्राइव किया, दूसरा उसने क्या किया, एक आदमी को हिट किया,
चोट पहुंचाया, है ना। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि फास्ट ड्राइविंग के अतिरिक्त, फास्ट ड्राइविंग के अतिरिक्त उसने एक आदमी को चोट पहुंचाई, यही तो आ रहा है। देखो और कोई सेंस आ रहा है कंबाइन करने का, आप दिमाग लगाओ, नहीं आ रहा है ना। तो आपको यहाँ पर देखो, इस ये टॉपिक ऐसा सिंथेसिस वाला है, इसको पढ़ने के लिए सारा बेसिक कवर होना चाहिए। अब जैसे हमने क्या कहा, ही ड्रो फास्ट, उसने दो काम ये कर रहा है, एक तो फास्ट ड्राइव किया और एक आदमी को मार दिया, क्लियर है। तो मतलब फास्ट ड्राइविंग करने के अतिरिक्त, तो अब बताओ के अतिरिक्त के लिए किसका यूज होता है, बताओ, बेसिक कवर करवाया गया ना, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स का यूज, बिसाइड्स, हाँ। के अतिरिक्त के लिए किसका यूज होता है, बिसाइड्स, तो इसका क्या हो जाएगा, बी ई एस आई डी ई, अगर एस ना लगाएं तो बगल होगा इसका सेंस, अभी एस लगा दिए तो के अतिरिक्त, तो बिसाइड्स ड्राइविंग फास्ट, बिसाइड्स ड्राइविंग फास्ट, इसका मतलब फास्ट ड्राइविंग करने के अतिरिक्त उसने क्या किया, ही हिट अ मैन, उसने एक आदमी को हिट किया, एक आदमी को चोट पहुंचाई, समझ में आया। तो इस तरह से यहां पर बहुत दिमाग लगाना होगा, ठीक है। अच्छा एक सेंटेंस ऐसे ओरली सुन लो, हर मदर है ना मेट विद एन एक्सीडेंट, हर मदर, चलो मैं लिख ही दे रहा हूं, हर मदर, देखिए, हर मदर मेट विद एन एक्सीडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी माँ एक एक्सीडेंट के साथ मिली, नहीं। अब एक्सीडेंट कोई इंसान थोड़ी है, क्या भैया का हाल चाल है, किसको किसको आज चोट पहुंचाए हो बताओ, किसको किसी जानवान अमराज के पास पहुंचाए हो, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ मेट विद एन एक्सीडेंट, मतलब उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया, उसकी माँ का दुर्घटना हो गया, और सी हर्ड द न्यूज, उसने ये खबर सुना, है ना, सी हर्ड एच ई ए आर डी, सी हर्ड द न्यूज, उसने ये न्यूज सुनी कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया, है ना। और जब ऐसा हुआ तो दौड़ती हुई हॉस्पिटल में भागी, वो हॉस्पिटल की ओर भागी, तो सी रश्ड, रश्ड मतलब होता है भागना दौड़ना, सी रश्ड टू द हॉस्पिटल, वो कहाँ किसकी तरफ भागती हुई गई, हॉस्पिटल की तरफ भागती हुई गई। तो हमने क्या बोला था, दो दो या दो, अरे होल्ड करो यहाँ पर, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो देखो यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस ये है, हर मदर मेट विद एन एक्सीडेंट, उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरा सिंपल सेंटेंस ये है, सी हर्ड द न्यूज, उसने इस न्यूज को सुना, है ना, एंड सी रश्ड टू द हॉस्पिटल, वो अपनी सॉरी वो हॉस्पिटल की ओर भागी। अच्छा यहाँ सी सी का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि हर, अगर यहाँ पर हिज मदर होता तब यहाँ ही का यूज करते, क्लियर है। अब इसको कंबाइन करना है, तो अच्छा कंबाइन करोगे आप हिंदी में, दिमाग लगाओ कैसे कंबाइन करोगे हिंदी में, हाँ, अपनी माँ के एक्सीडेंट का न्यूज सुनकर या सुनने पर वह हॉस्पिटल की ओर भागी, यही तो आ रहा है ना। तो देखो अपने माँ के एक्सीडेंट की न्यूज सुनने पर, तो यहाँ पर के लिए क्या बताया गया था, आन का यूज बताया गया था ना, तो यहाँ पर क्या होगा, आन हियरिंग, आन हियरिंग मतलब सुनने पर, ठीक है, आन हियरिंग या आफ्टर हियरिंग भी आप कर सकते हैं, आन हियरिंग द न्यूज, आन हियरिंग द न्यूज, न्यूज सुनने पर, कौन सी न्यूज थी, एक्सीडेंट का, तो न्यूज ऑफ हर मदर्स एक्सीडेंट, न्यूज ऑफ हर मदर्स एक्सी मदर्स, हाँ ठीक है, हर मदर्स एक्सीडेंट, अपनी माँ का एक्सीडेंट की न्यूज सुनने पर, है ना, न्यूज सुनने पर या न्यूज सुनने के बाद, नहीं बाद नहीं, न्यूज आदमी जैसे सुनता है तुरंत भागता, तो यहाँ आन सही है, आफ्टर भी सही हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन न्यूज सुनने के बाद ये भी सेंस आ रहा है, लेकिन ज़्यादा सेंस आन वाला है, क्योंकि जैसे न्यूज सुनता है तुरंत भागता है, अरे यार चलो गाड़ी वाड़ी व्यवस्था करो, फलाने तेलो है, हाँ तेल है कल डलवाए, मतलब तुरंत ऐसे भागता है, क्लियर है। तो ये कहाँ भागी, सी रश्ड, है ना, सी रश्ड
टू द हॉस्पिटल, क्योंकि भाई अब एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल में तो पहुंचेंगे ही, कोई ना कोई तो पहुंचाएगा ही, है ना, हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल की ओर वो भागी। समझ में आया? तो इस तरह से यहाँ प्रेपोजिशन का यूज करना। अब देखो ये थोड़ा टिपिकल हो जा रहा होगा, पहले सेंस टिपिकल होने का रीजन क्या है कि पहले आप हिंदी में अलग अलग सेंस निकालो, फिर हिंदी में ही उसको एक करके, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन का यूज करते हुए उसको इंग्लिश बनाओ। क्लियर है? ऐसा आपको शुरुआत में करना है, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? ये फोर्थ रूल बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर है। ओके।